नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा ज़ाइलो, जो कि टर्बो इंजन में देखने को मिलेगी। अगेन फ्रंट से अगर बात करते हैं, इसमें फ्रंट हेडलैम्प्स के अलावा दो लाइट्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। इसमें अगेन ये फर्स्ट ओनर गाड़ी देखने को मिलेगी। सो फ्रंट के और लुक की अगर बात करें तो इसमें महिंद्रा की ओरिजिनल ग्रिल भी देखने को मिलेगी। पेस्टिंग ग्रिल है ये, इवन ब्लैक बम्पर है इसमें। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी सेफ कंडीशन में देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पे हल्का सा एक डेंट है और अंदर मेजर कोई इशू नहीं है। एंड टायर्स की कंडीशन थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। यह है अराउंड 70% टायर अवेलेबल हैं। तो थोड़ा साइड का ओवरव्यू दे देता हूँ। साइड से अगर बात करते हैं, इसमें मिरर्स पे क्रोम की गार्निश लगाई हुई है। अगेन ग्रैब हैंडल्स पे भी क्रोम की गार्निश लगाई हुई है। अंडरनेथ द डोर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे फुटरेस्ट भी महिंद्रा से ही लगा हुआ हमें देखने को मिलेगा इसमें। अगेन रियर के टायर की कंडीशन चेकआउट करा देता हूँ, तो काफ़ी न्यू टायर देखने को मिलेगा। ओवरऑल पीछे का लुक थोड़ा सा, एंड पीछे की क्वाड विंडो से इंटीरियर का लुक दिखाऊँ तो इसमें पीछे की सीट को फोल्ड कर रखा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें रियर की टेल लाइट्स पे क्रोम की गार्निश की हुई है। अगेन इसमें एक स्पॉइलर भी बना हुआ है। साथ ही पीछे में काफ़ी क्लीन विंडशील्ड देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल लुक पीछे से दिखा देता हूँ, तो अगेन ऊपर में स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा आफ्टर मार्केट। सो रियर का लुक कुछ ऐसा है, इसमें दिखा देता हूँ। बॉडी में कहीं कोई मेजर जंग वंग का कोई इशू नहीं है। इवन रियर के लिए ब्लोवर्स भी देखने को मिलेंगे रियर पैसेंजर्स के लिए। एंड ये इसकी सीटिंग होने वाली है, ये इसकी टू सीटर्स होने वाली है। सो ओवरऑल रियर से इसको बंद कर देता हूँ। साथ ही इसमें लेफ्ट में डीजल टैंक का लिड देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका लुक चेकआउट करवा देता हूँ। तो रियर में इसके बम्पर की सेफ्टी के लिए स्टील बम्पर भी देखने को मिलेगा इसमें आफ्टर मार्केट। अगेन टॉप ऑफ द रूफ की बात करते हैं, इसमें टू रूफ रेल्स भी देखने को मिलेंगी ऑलरेडी। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। सो बाहर का कुछ वॉक अराउंड दे देता हूँ। अगेन इंजन की बात करते हैं तो महिंद्रा पावर्ड बाई MDICRD इंजन देखने को मिलेगा। इंजन कंडीशन की बात करते हैं तो काफ़ी क्लीन देखने को मिलेगा। सो इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ओवरऑल इंजन कंडीशन दिखा देता हूँ। तो इसमें काफ़ी क्लीन इंजन की कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ। इवन इसमें कहीं कोई ऑयल के लीकेज वगैरह का भी निशान नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल सर्विस ऑलरेडी की हुई है। अगेन इसमें बैटरी है कुछ देखने को मिलेगी। सो यह है ज़ाइलो, अभी सेल के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो आस्किंग प्राइस ऑफ दिस कार वुड बी अराउंड 190। एंड मॉडल की अगर बात करते हैं तो यह है 2012-11 लास्ट का मॉडल है। एंड साथ ही अब भाई इसका इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में इसमें लेफ्ट डोर की अगर बात करते हैं, इसमें पावर विंडो कंट्रोल्स के देखने को मिलेंगे। अगर नहीं, ये इन अंदर से ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, कुछ स्पेसिंग के लिए जगह एंड स्पीकर और बॉटल होल्डर भी देखने को मिलेगा। साथ ही मैनुअली एडजस्टेबल आउटर मिरर्स देखने को मिलेंगे। सो इंटीरियर के थोड़ा से लुक चेकआउट करवा देता हूँ। इसमें हेडलाइट एडजस्टर, फ्यूल लिड का स्विच देखने को मिलेगा। अंदर यहाँ पर कुछ पॉकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे में इसमें ग्रास की मैटिंग, फ्लोर मैटिंग के ऊपर ग्रास की मैटिंग की हुई है। एंड थोड़ा सा इंटीरियर का दिखा देता हूँ, तो यह है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगेन काफ़ी बड़े बड़े इसमें एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। सोनी का इसमें इनबिल्ट स्टीरियो देखने को मिलेगा। साथ ही इसके नीचे में कुछ एसी के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। एंड 5+1 6 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक भी देखने को मिलेगा। अगेन कुछ स्पेस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड साथ ही राइट डोर की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर और नीचे में ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। एंड रूफ टॉप की अगर बात करते हैं तो इसमें सनग्लास होल्डर के साथ एक रूफ लैंप भी देखने को मिलेगी। अगेन इसमें साथ ही इसमें सिंपल सनसेट्स भी देखने को मिलेंगे। सो थोड़ा सा रियर का चेकआउट करवा देता हूँ लुक। सो इसको अभी जस्ट ओपन कर रहा है। सो रियर के लुक की अगर बात करते हैं तो इसमें सेम वही पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलेंगे। ये डोर के लिए ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। नीचे में कुछ स्पेस देखने को मिलेगा सामान रखने के लिए। अगेन स्पीकर इसमें हर एक डोर्स के लिए एक सेपरेट स्पीकर का कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें इंटीरियर की अगर बात करें तो रियर में एक कप होल्डर भी देखने को मिलेगा, एज ए वी कैन से इज ए बॉटल होल्डर ऑल्सो। एंड इसके साथ एक 12V का सॉकेट देखने को मिलेगा। साथ ही रूफ टॉप की अगर बात करते हैं तो इसमें रूफ लैंप भी देखने को मिलेगा। एंड इवन इसमें सेवरेट एयर के वेंट्स, एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे फॉर ईच एंड एवरी सीट्स। सो दिस इज़ द इंटीरियर ओवरव्यू।
रियर का कंपार्टमेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा आफ्टर द सीट फोल्डिंग। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। आफ्टर ऑल द कंडीशन की बात करें तो काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन की गाड़ी देखने को मिलेगी एंड प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो यह है 190,000 इसकी आस्किंग प्राइस होने वाली है एंड गाड़ी के मॉडल जो कि नंबर से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और चलाने के एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है, इवन काफ़ी रफ रोड भी है, थोड़ा सा यहाँ पे भी इसका ट्रायल ले लेते हैं। सो गाड़ी का बॉडी रोल थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है चलाने में, बाकी नो इंजन साउंड बहुत एंड चलाने में एकदम मक्खन है। ओनली ए सिंगल हैंड ड्रिवन कार है, एकदम चलाने में एकदम ट्रक की तरह फीलिंग आती है, साउंड वो इसुजु वाली लगती है पूरी स्कॉर्पियो की तरह। एंड सीटिंग की बात करूँ तो काफी लग्जरियस इसमें सीटिंग देखने को मिलेगी अपने को। ओवरऑल गाड़ी में बॉडी रोल थोड़ा सा इसमें देखने को मिलेगा बट सस्पेंशन की बात करते इसमें काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इवन नॉनली सिंगल जर्क भी अपने को महसूस नहीं होने वाला। अभी इसका थोड़ा सा वॉकराउंड दे देता हूँ आपको, सॉरी फॉर सीट बेल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नियर द सब्सक्राइबर बटन।